Okay. Hello, this is Arushi from Quizpedia. In this video, I would like to help you and guide you with your PG entrances. तो मेरे साथ एक स्पेशल गेस्ट हैं डॉक्टर विकास, हु इज़ ऑल इंडिया रैंक वन फ्रॉम मथुरा पीजी एंट्रेंस. सो वेलकम सर, एंड प्लीज़ थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर दिए खुद को. हेलो, माय सेल्फ डॉक्टर विकास, पोस्ट ग्रेजुएट इन वेटनरी सर्जरी एंड रेडियोलॉजी एंड करंटली वर्किंग इन एमसीजी गुड़गांव एज ए वेटनरी सर. सर, स्टूडेंट्स को जो है बहुत यू नो डिफ़िकल्टी होती है डिसीजन बनाने में कि पीजी की तैयारी कब स्टार्ट करें, कैसे स्टार्ट करें. तो सर, आप थोड़ा सा पैटर्न बता सकते हैं क्वेश्चंस का एंड द लेवल ऑफ क्वेश्चंस इन योर एग्ज़ाम? लेवल ऑफ क्वेश्चंस, अगर किसी ने आईसीआर दिया है तो मथुरा के अंदर तो उससे लेवल जो होता है मीडियम रहता है. ऐसा कोई टफ क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते, कोई असर्शन रीजन ऐसा कुछ नहीं होता उसमें. सिंपल दो लाइन का क्वेश्चन होता है, उसके चार ऑप्शंस होते हैं, उनमें से आपको टिक करना रहता है. कोई नेगेटिव मार्किंग भी नहीं होती उसमें, तो कोई ऐसा प्रेशर वाली बात तो होती नहीं उसमें. और बाकी अगर क्वेश्चन पैटर्न्स की हम अगर बात करें तो क्वेश्चंस जो होते हैं बेसिक जो होती है नॉलेज जो होते हैं उसी से पूछे जाते हैं. ऐसा कोई टफ क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है कि मतलब अंदर घुस के पूछे जा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है. सरफेस से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. अगर किसी ने भी अपने मतलब सब्जेक्ट की अगर बेसिक थोरो स्टडी की है तो उससे कुछ का काम हो जाता है, तो ऐसा कुछ वो नहीं होता है. ओके. और सर, कौन से सब्जेक्ट जो हैं वो ज़्यादा वेटेज कैरी करते हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता उसमें. 200 क्वेश्चन आते हैं और हर सब्जेक्ट के क्वेश्चन जो होते हैं फिक्स रहते हैं. मिनिमम एक सब्जेक्ट के 10 क्वेश्चन तो आते ही हैं, तो ऐसा नहीं होता कि किसी सब्जेक्ट के ज्यादा आ रहे हैं, किसी की कम आ रहे हैं. वो हमें लगता है ताकि मतलब कुछ लोग आके बाहर कहते हैं कि नहीं वेटनरी साइंस के ज्यादा आए हैं, नहीं एनिमल साइंस के ज्यादा, तो ऐसा कुछ नहीं होता. वो उन्होंने कौन से अटेम्प्ट किए हैं उनके बेसिस पे होता, लेकिन क्वेश्चन जो होते हैं हर सब्जेक्ट से आते हैं. 10-10 क्वेश्चन मिनिमम सबसे आते हैं. ठीक है सर. तो सर, जैसे मैंने देखा है कि 200 क्वेश्चंस आ रहे हैं एंड 120 मिनट्स होते हैं आपके पास, तो सर टाइम मैनेज कैसे करते हैं? टाइम मैनेजमेंट तो कुछ है ही नहीं. जिसको जो क्वेश्चन आ रहा होगा तो वो तो टिक कर ही देगा उसमें. अगर जिसको नहीं आ रहा वो तो बैठा ही रहेगा, तो उसमें कोई वो नहीं रहता है. हमने भी जब किया था तो हम तो लास्ट के 20 मिनट खाली बैठे हुए थे कि गलत करने से अच्छा है तो आराम से बैठे रहो. उसमें कोई वो नहीं होता टाइम मैनेजमेंट का, सब आराम से हो जाता है. 10 सेकंड के अंदर एक क्वेश्चन हिट, जिसको जो क्वेश्चन हिट होना होता है वो शुरुआत में हो जाता है. अगर नहीं होना होगा तो फिर सब बैठे रहे उसी के बीच. ठीक है. तो सर, आपकी क्या स्ट्रैटेजी रही थी और आपने अपनी स्टडी को कैसे टाइम डिवोट किया था? मैंने जो स्टडी जो स्टार्ट की थी, प्रिपरेशन जो थी, इनिशियली पीजी करने का कोई मूड नहीं था, लेकिन बाद में जब बीच में कोरोना काल के दौरान कुछ गैप हो गया था एंट्रेंस के बीच में और हमारी डिग्री भी जैसे अर्ली पूरी हो गई थी, तो बीच में कहीं प्राइवेट जॉब करने गए, तो उसमें होता ही है कि जो प्लेन यूजी जो होता है उसको ज्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती. तब उसके बाद बंदे को लगता है कि कुछ स्पेशलाइजेशन होना चाहिए, तो उसके बाद से मेन प्रिपरेशन जो होती है वो शुरू हुई थी हमारी. तो टाइमिंग का तो ऐसे है कि स्टार्टिंग में तो जैसे 2 आवर्स जो होते बहुत मतलब सफिशियंट रहते, तो ऐसा कुछ नहीं होता कि मतलब हमें पढ़ना ही पढ़ना है, ऐसा कुछ वो नहीं होता है. उसके बाद जैसे 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 एग्जाम नजदीक आए तो उसके बाद अपने टाइमिंग्स को जो है इंक्रीज कर सके. इंक्रीज इन द सेंस मतलब हमें रिविजन पे ज्यादा ध्यान देना है. जितना ज्यादा रिविजन होगा उतना ज्यादा बेटर. अगर रिविजन नहीं करोगे तो चीजें जो है वो आप बोर्ड पे चले जाओगे, तो फिर कोई मतलब नहीं रहेगा. सर, आपने कौन सी बुक्स को प्रेफरेंस दी थी? स्टडी मटेरियल क्या था आपका? मेनली जो थी वो हमें, हम जो है आईसीआर की तैयारी करते हैं, मतलब आईवीआरआई वाली, तो हमारा जो सब्जेक्ट का जो कोर था वो था वेटनरी साइंसेज, तो हम जो है मेन उसी के ऊपर फोकस कर रहे थे. तो हर सब्जेक्ट की एक एक इंडिविजुअल बुक होती है उसमें, तो जैसे पहले हमारे जो क्लासरूम के जो नोट्स हैं हमें उनको अच्छे से पढ़ना चाहिए. उनके बाद जैसे हर इंडिविजुअल सब्जेक्ट की एक बुक, जैसे वेटनरी सर्जरी की अगर हम बात करें तो उसके अंदर मेनली जो रूमिनेंट साइंसेज की जो बुक है वो सफिशियंट रहती है. उसके अंदर बेसिक भी लिखा हुआ है और काफी डीप भी लिखा हुआ, तो उसमें सब कवर हो जाता है. और अगर गायनेकोलॉजी की बात की जाए तो आर्थर जो होती है उसका बेसिक वाला पार्ट वो सफिशियंट होता है स्टडी के लिए. और मेडिसिन की बात करें तो मेडिसिन थोड़ा सा टफ पड़ता है, क्योंकि उसके अंदर हमें ब्लड का जो बेसिक वाला पार्ट जो होता है वो पढ़ना पड़ता है उसके अंदर. और फार्माकोलॉजी की अगर बात करें तो क्लासरूम के नोट्स जो होते सफिशियंट रहते हैं फार्माकोलॉजी के अंदर.
अगर उसके अलावा भी अगर कोई पढ़ना चाहे तो संधू का जो बेसिक पार्ट जो है वो आप कवर कर सकते हो, टॉक्सिकोलॉजी का भी बुक आती है जो सर की है तो वो आप कवर कर सकते हो उसमें। बाकी एनाटॉमी हुआ, बीपीएच हुआ, एपिडेमोलॉजी हुआ, इनकी बुक्स पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, तो इनके जो क्लासरूम के नोट्स है वही सफिशियंट होते हैं, तो इनके अंदर घुसने की कोई जरूरत नहीं होती। मेन जो एक सब्जेक्ट होता है पैथोलॉजी, अगर पैथोलॉजी अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया तो उससे जो है मोस्ट ऑफ द सब्जेक्ट इधर उधर के भी कवर हो जाते हैं आप, तो पैथोलॉजी के ऊपर आप अपनी पकड़ बना के रखे पहले से ही, तो वो एक बहुत इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट होता है। तो सर आपने कैसे डिसाइड किया कि आप सर्जरी ही आगे परस्यू करेंगे? हाँ ये मतलब एक अपने दिमाग में हमेशा याद रखना है, मतलब हमें पहले से पता होना चाहिए कि हमें किस सब्जेक्ट से करनी है, ऐसा नहीं कि मतलब बहुत सारे बच्चों का ये रहता है कि हमें आईवीआरआई जाना, पहले से कोई सा सब्जेक्ट मिल जाए बस हमें वहां घुसना है, ऐसा मत रखना। कि सब्जेक्ट पूरी जिंदगी आपके साथ रहेगा, कॉलेज तो 2 साल ही रहेगा, तो पहले से डिसाइड करके रखना, क्योंकि उसी के हिसाब से आप डिसाइड कर पाओगे कि मुझे कितनी रैंक लेकर आनी है। तो आप अगर आपके दिमाग में वो चीज रहेगी तो आप अच्छे से तैयारी कर पाओगे उसी लेवल की, वरना तो फिर जो सब्जेक्ट मिल गया ले लो, फिर उसमें तो क्या है, वो तो मिल ही जाता सबको किसी ना किसी को कुछ। हाँ जी, तो सर आपके मतलब आपने मॉक टेस्ट्स वगैरह कंडक्ट करवाए होंगे, दिए होंगे, तो आपको क्या लगता है कि मॉक टेस्ट करने चाहिए या हेल्पफुल रहते हैं वो या नहीं? स्टार्टिंग में कोई नीड नहीं है, अगर आप स्टार्टिंग में करोगे तो मतलब बिना फालतू तो के आप डिप्रेशन में जाओगे कि मेरे से ये क्वेश्चन नहीं हो रहा, ये क्वेश्चन नहीं हो रहा, ये क्वेश्चन, और जबकि उन क्वेश्चंस की कोई वैल्यू नहीं होती, क्योंकि एज इट इज जो होता है क्वेश्चन कभी नहीं आता उनसे। अगर आपने अपनी थ्योरी को अच्छे से पढ़ा हुआ है तो आपको ऑप्शंस को डिफरेंशिएट करने में आसानी हो जाती है, क्योंकि सेम क्वेश्चन कभी नहीं आता मॉक टेस्ट वाला, आपको सिर्फ ऑप्शंस को डिफरेंशिएट करना है, वो आप तभी कर सकते हो जब आपने बेसिक थ्योरी पढ़ रखी होगी तभी। तो मॉक टेस्ट जो है वो बात के लिए जो होते हैं, अगर अपने आपने कितनी प्रिपरेशन कर चुके हो उसके बाद देने का फायदा होता है, स्टार्टिंग में देने का कोई मतलब नहीं होता। ठीक है सर, तो आपकी प्रेपरेशन में क्विज़पीडिया ने आपकी हेल्प कैसे करी? क्विजपीडिया जो है आईसीआर के बच्चे जो एंट्रेंस देते हैं उनके लिए बहुत मतलब एक अच्छा मतलब वो सेटअप है, क्योंकि उसके अंदर जो क्वेश्चंस का जो लेवल है वो काफी मतलब डीप टाइप का होता है, और उसके अंदर जो होता है ऑल ओवर इंडिया के बच्चे जो होते हैं वे सब उसके अंदर मॉक टेस्ट देते हैं, तो उसमें आपको अपने लेवल पता चल जाता है कि आप किस लेवल के ऊपर हो और आपको कितनी स्टडी करनी है, और उसके क्वेश्चन से आपको ये पता चल जाता है कि आपका कौन सा टॉपिक छुटा हुआ है, आपको ये टॉपिक पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है, तो उसके अंदर बहुत हेल्प होती है उसकी। तो ये मतलब एक अच्छा सेटअप है आपने बनाया है, तो सबको मतलब एक बार अटेम्प्ट करना चाहिए इसको। सर इसके अलावा अगर जो आपके पास कोई सजेशंस हो अपने जूनियर्स के लिए? सजेशन तो यही है, जिनको तैयारी करनी है अच्छे से करे, जिनको नहीं करनी है वे बिल्कुल ना करे, और जो बीच में है कि हमें करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, तो उनके लिए यही है कि तैयारी कर लो, क्योंकि ना करने से अच्छा है तो कुछ तो हो ही जाएगा, क्योंकि लास्ट में जाके पता चलता है कि काश पीजी कर लेते हम तो ये हो जाता, तो उससे बचने के लिए कर लो। और जिनको फिक्स है कि जिनको नहीं करनी है तो वे आराम से किताब को बिल्कुल हाथ ना लगाए, और जिन्हें करनी है डिसाइडेड है वे अच्छे से आराम से लगे रहे और करते रहे, ठीक है सर, सिलेक्शन हो जाता है, कोई ऐसी बात नहीं होती। थैंक यू सो मच फॉर योर गाइडेंस। आई थिंक काफ़ी हेल्पफुल रहेगा ये इंटरव्यू हमारा, एंड इसी के साथ मैं अब ये वीडियो बंद करना चाहूँगी, स्टॉप करना चाहूँगी। थैंक यू सो मच फॉर योर प्रेशियस टाइम, बहुत ग्रेटफुल है क्विज़पीडिया आपके टाइम के लिए। थैंक यू सो मच सर। ओके।